वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर होल्डिंग वेल। सो गाइस, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी एस्क्रोस आ जाती है, जो सबसे इसका बेस एंड मतलब बेस है, इससे नीचे कोई मतलब सबसे नीचे वाला वेरिएंट ये है, ठीक है। People feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Life is happy but it's so insane, we must merely make a start. तो अगर हम इसकी स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी जो की मिलेगी, तो आपको ये सिंपल की मिलेगी जो पर्टिकुलरली आपका मारुति सुजुकी वाले जो पैटर्न है उसमें मिलेगी। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो भी ऑफर किए जाते हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको 10,15,000-16,000 की ऑन रोड पड़ती है राजस्थान के हिसाब से। और मेरे ख्याल से मतलब वैल्यू फॉर मनी तो अपने कह सकते हैं इसको, क्योंकि मेरे को तो जो मतलब नेसेसरी फीचर्स होते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और जो फ्रंट से लुक आ रही है वो भी बहुत ही बढ़िया है इसकी। और जैसे आप छोटी मोटी जो एक्सेसरीज हैं उसको कर सकते हैं, जैसे आप इसमें कर दो फॉग लैंप्स इंस्टॉल कर दो, अगर आप व्हील कैप अगर जाना चाहते हैं व्हील कैप के लिए आप जा सकते हैं, बाकी आप अलॉयज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे आ गई, अगर यहाँ पे इंडिकेटर्स पे ORVM से आते तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, ठीक है। और बाकी तो बढ़िया है। अगर रेयर में वापस अपने चल लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपको मिल जाए मतलब कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। टॉप अगर देखेंगे बेस में अगर आपको 4 पार्किंग सेंसर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, आपको टेल लैम्प जो है नॉर्मल ही मिलेंगे, आपको उसमें नहीं मिलेंगे आपके जो LED वाले आते हैं, ना ही पीछे आपको कोई फोग लैम्प्स कह रहा हूँ, ना कोई डीफोगर या रेयर वाइपर का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्सा की वेजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। साइड से आप ये इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। और हम चल लेते हैं इंटीरियर की ओर करते हैं और बाकी बात। मैं जो हूँ अभी जो उसके कार के इंटीरियर में आ चुका हूँ, तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम एसी आपके जो ORVM है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब डिजिटल ही है, बेस में भी आपको डिजिटल मिल रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। बेस मॉडल में भी आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप इसको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो पूरा ये स्टीयरिंग जो है वही रिप्लेस होएगा आपके, अगर सोचें तो सिंपल वो पूरे रिप्लेस हो जाएं तो वो वाला ऑप्शन नहीं आता इसमें। आपको यहाँ पे कोई भी स्टीरियो का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल बेस एंड वेरिएंट है ये। इसलिए अगर हम इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें आपको 1400 cc का जो है इंजन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मतलब पावरफुल इंजन तो है ही, मतलब कह सकते हैं इसको पावरफुल इंजन भी हम, बहुत बढ़िया मतलब इसमें आपको हाइब्रिड वाला जो इंजन है मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बाकी साथ ही साथ 138 Nm का जो टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है, जो एक कार है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। 4 विंडोज़ का आपको यहाँ पे जो आपका कंट्रोल है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई भी ऑटो फोल्डिंग वाला जो है फंक्शन मिलेगा इसमें। और बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई हैंड रेस्ट का नहीं मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पावर हीटर और वगैरह एसी वगैरह का तो सबका ऑप्शन मिल ही जाता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है थोड़ा, और अगर मैं आपको एक बार इसकी बूट जो है वो भी दिखा देता हूँ, जो बूट है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 375 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन है जो नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ना ही आपको कोई बूट लैंप्स हैं जो उनका ऑफर मतलब जो चीज़ है वो आपको नहीं मिलेगी मतलब बूट लैंप्स वाली। और मतलब मेरे ख्याल से यार सही है गाड़ी ये, अगर आपको आफ्टर मार्केट वाला वर्क जो है सारा करवाना है इसमें तो बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। बस मेरे को एक थोड़ा जो माइनस पॉइंट लग रहा है वो ये है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे आ गए, अगर ORVM पे आते तो बहुत ही मज़ा आ जाता। जैसे कि मैंने आपको एक रेट बताया था कि ये ऑन रोड 10,29,000 की पड़ती थी, तो वो जो रेट था उसमें जो आपके व्हील कैप्स हैं वो फोग लैंप्स, और अंदर आपका पाइनियर का जो म्यूज़िक सिस्टम हमने लास्ट टाइम इग्निस में देखा था वही वाला पाइनियर का म्यूज़िक सिस्टम है आपको यहाँ पे जो है वो, और आपके जो 2 स्पीकर्स हैं फ्रंट के या बैक के वो आपकी चॉइस है, वो आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। और हम पीछे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे स्पॉयलर मिलेगा, वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसी रेट के अंदर अंदर मिलेगा ही मिलेगा।
वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।